हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपका इंग्लिश है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं PNST एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी ने इस ईयर 2022 में होने वाली है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो कि आपको अच्छे से करना है, और एक वोकेबलरी कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी वोकेबलरी के लिए आपका एक फ्री क्लास भी आने वाला है, फ्री कंप्लीट कोर्स रहेगा ये वोकेबलरी के लिए, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, और डेली इंग्लिश की क्लास भी कैसे करना है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इसमें कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आपका आता है टेंस। टेंस में ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं और साथ ही साथ स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको टेंस में से करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इसमें आपको अगला चैप्टर करना है वॉइस का। वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी होता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने आपको इसमें एक ट्रिक बता रखी है कि किस तरीके से आप आराम से एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव को बिना क्वेश्चन पढ़े ढूंढ सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बता देंगे। इसके अलावा नरेशन, नरेशन में क्या होता है, नरेशन में जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और साथ ही साथ एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये चार चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चार चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, और अगर जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक से पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। दूसरा आपका होता है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एक तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से करना होता है। जैसे कि ये आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जवाब होगा, ही इज़ अवेटिंग द रिप्लाई, तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों होगा सर, क्योंकि देखिए अवेटिंग जो लिखा हुआ है तो इसमें जो अवेट है ये वेट फोर के बराबर है, मतलब कि वेट के साथ फोर लगता है तब जाके कहीं अवेट बनता है, तो अवेट के साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, और मॉडल वर्ब के हम 500 क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में अभी कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। इसके अलावा आर्टिकल्स में से आपको क्वेश्चन करना है, तो ये मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एक डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये डिटर्मिनर्स में से आते हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा ये क्वेश्चन, शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ, ये क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारे लोग बाय लगाते हैं, बाय नाइफ, लेकिन इसका उत्तर होता है विथ नाइफ, क्योंकि सब्जी कटती है चाकू से, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि ही इज़ ब्लाइंड फॉल्ट, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ही इज़ गुड इंग्लिश, इसमें बहुत सारे लोग जो है इन लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होता है वो होता है एट, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। बोलो समझ में आया आपको। तो ये इस प्रकार से, जैसे कि नफीसा इज़ अफ्रेड स्पाइडर्स, तो इसमें आएगा अफ्रेड ऑफ। तो बहुत ईजी होती है अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। यहाँ पे कई सारे लोग के डाउट होते हैं कि सर हमें इंग्लिश से हिंदी करते नहीं आती, तो आपको अगर इतना भी आता हो कि अफ्रेड के साथ क्या लगता है ऑफ, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि सजेस्टेड के साथ टू लगता है या नहीं लगता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके साथ टू लगता है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ में टू लगता है। तो ये डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस क्लास जो कि आपकी यूट्यूब पे भी होती है और YouTube के साथ साथ आपकी अनअकेडमी पर भी होती है, ठीक है। दोनों में आपको अभी बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं वो कौन कौन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, मॉडल आर्टिकल, और एक और जो मैंने बताया था डिटर्मिनर्स, ये आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी का एक 10 दिन का कोर्स, जिसके अंदर हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजेज और इडियम्स करने वाले हैं। ये 10 दिन का कोर्स आपका स्टार्ट होगा अभी 5 तारीख से, 5 से 15। इसका समय जो रहेगा वो रहेगा शाम को 9:30 बजे, ये स्टार्ट होगा अनअकैडमी पर।
अभी जो अनअकैडमी पे क्लास चल रही है फ्री क्लास, वो चल रही है सुबह 8 बजे। तो आप इस वोकेबलरी वाले कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो लोग नए स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं कि सर अनअकैडमी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके से आएगा, ओपन होगा ये पेज। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे, फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, कंटिन्यू करना है। ईमेल अगर पूछा जाए तो आपको ईमेल भी डालना है अपना। कॉम्पिटेटिव टेस्ट प्रिपरेशन वाले ऑप्शन में जाइएगा, प्रोसीड करिएगा। ये क्लास 6 to 12 में मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट PSC में जाके, और आप यहाँ पर MPPSC एंड व्याकरण कैटेगरी में जाइएगा। इसको जाने के बाद मुझे फॉलो करिएगा श्याम मुजावतिया के नाम से। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, तो फॉलो करने के बाद आपको मेरी क्लास दिखेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपसे कोड मांगा जाएगा। तो वो कोड आप लगा देना, Shyam3Live। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपकी ये क्लास जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आपके पोल्स भी आएंगे, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, है ना, रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, आप बात भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री क्लास है। तो आप कल ही इस क्लास को ज्वाइन करिएगा सुबह 8 बजे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब। इसके बाद जो अगला जो आपका 10 दिन का वोकेबलरी का फ्री क्लास है PNST स्पेशल के लिए, वो आपका 9:30 बजे हम शुरू करेंगे 5 तारीख से। ठीक है, तो उसके पहले आप कल ज़रूर आइएगा सुबह 8 बजे। आपकी क्लास ओपन हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक कर लीजिएगा। कोड आपसे मांगा जाएगा, Shyam3Live आपको लगाना है। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो आप ईमेल आईडी जरूर डालिएगा वहाँ, अगर कोई दिक्कत आती हो तो उससे आप कमेंट भी कर पाएंगे। तो ये क्लास आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम हमारी इस क्लास में, है ना, और यूट्यूब पर भी आपकी रेगुलर क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।